संतोष नगर पुलिस स्टेशन यूनिट में अवेसी कॉलोनी कमान जो संतोष नगर बराने शाह साहब की दरगाह के करीब आता है वहाँ पे एक घंटा भर पहले एक मर्डर हुआ। 18 साल का लड़का है जिसका नाम मुहीद है। वो बच्चा पुरुष में आया हुआ था। पुलिस वेरीफाई कर रही क्या रीज़न से मर्डर हुआ। वो लड़का कोई कहता है स्टूडेंट है, कोई कहता है कि कुछ फ्रूट का कारोबार करता था। बहरहाल एक हादसा ऐसा हुआ है जो नहीं होना था। तो जैसे ही इतला मिली मुकामी कारपोरेटर जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब स्पॉट पे पहुंचे। मेरे को खुद पता चला तो मैं इमीडिएट यहाँ पे उस्मानिया हॉस्पिटल आया। लड़के का स्पॉट डेथ हो गई थी। अभी पुलिस वालों ने यहाँ पर लेकर आया पोस्टमार्टम के लिए। सुबह इंशाल्लाह डेड बॉडी मिलेंगे। हम हैदराबाद की पुलिस से ये कहना चाहते हैं कि ये जो वाकयात हो रहे हैं इसके ऊपर कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। ख़ास तौर से क्यों हो रहा है, नौजवान नस्ल क्यों ये सब चीज़ों में मुब्तला है, इसके लिए बेइंतहा पुलिस को ज़रूरी है ये सब चीज़ देखने के लिए। इस ताल्लुक से मैं ख़ुद भी कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी बात करूँगा, DCP से भी बात करूँगा और हम चाहते हैं कि ये कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसकी तरफ से नौजवान नस्ल ख़राब हो। हमारा शुबा ये है कि शायद आजकल आहिस्ता आहिस्ता ड्रग्स आम हो रहा है, वो भी एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। क्योंकि ये नौजवान बच्चों का दूसरा क्या रह सकता है मामला, कोई और मामला नहीं रह सकता। बहरहाल हम ख़ास तौर से इसकी इतला हमारे सदर नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भी दिए हैं और अकबरुद्दीन अवैसी साहब को भी दिए हैं। हम इस ताल्लुक से सीरियस नोट लेंगे और जो भी खाती है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे और पुलिस को भी ये करेंगे कि भाई आप गैर जानिबदारा तौर के ऊपर इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करना चाहिए। जितने लोग भी इसमें मुलविस है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।